संदिग्धों से इस समय गहन पूछताछ चल रही है और पुलिस के पास लगातार नई जानकारी आ रही है, जिसके आधार पर कई जगह दबिश भी डाली जा रही है। इस बीच इस आतंकी नेटवर्क के तार पंजाब से जुड़े होने का शक भी गहरा गया है। दरअसल पिछले महीने पंजाब से कुछ आईईडी और विस्फोटक बरामद किए गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को शक है कि इस बार जो विस्फोटक मिले हैं प्रयागराज में, वो पंजाब के विस्फोटकों से खासे मिलते जुलते हैं। यानी अगर जांच इस दिशा में आगे बढ़ी तो पाकिस्तान का बड़ा आतंकी प्लान जो पूरी तरह से अब खुल चुका है, वो उसकी और डिटेल्स सामने आ जाएंगी। क्या पंजाब से है नए टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन? क्या पंजाब और प्रयागराज में बरामद आईडी ऐसी है? हिंदुस्तान के समंदर में क्या कर रही थी पाकिस्तान की बोट? हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिश के तार अब फैलते जा रहे हैं। दिल्ली में जिस टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, उसके तार पंजाब से जुड़ने की आशंका है। दरअसल अगस्त महीने में एनआईए ने पंजाब में रेड कर टिफिन बम की शक्ल में आईईडी बरामद की थी। इसके साथ साथ आरडीएक्स और कुछ पिस्टल समेत हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद किए गए थे। ये सारा सामान भिंडरावाले के भतीजे जसबीर सिंह रोडी के घर से मिला था। इसके बाद पुलिस ने रोडी को गिरफ्तार कर लिया था। अब दिल्ली पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या पंजाब से एनआईए की ओर से की गई बरामदगी का प्रयागराज से मिले आरडीएक्स और बम से कोई कनेक्शन है। पुलिस का शक इस वजह से गहरा गया है क्योंकि दोनों विस्फोटकों के बीच काफी समानता है। इधर दिल्ली पुलिस का शक गहराया और उधर पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब में आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे आतंकी मॉड्यूल के चार और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों पिछले महीने राज्य के अमृतसर जिले में हुए आईईडी विस्फोट में शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद ही पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चंडीगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं रैलियों और प्रदर्शनों को बैन कर दिया गया है। अगले 7 दिनों तक ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली चीजों पर सख्त पाबंदी है। पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार और विस्फोटक गिराता रहा है। वहीं उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तान समर्थकों के संपर्क में है और आतंक को बढ़ावा देने में जुटी है। इस बीच भारतीय तटरक्षक जहाज राज रतन ने निगरानी मिशन के दौरान भारत की समुद्री सीमा में घुसाए अल्लाह पवाकल पकड़ लिया है। इस नाव पर 12 लोग सवार थे। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ने खराब मौसम के बावजूद इस नाव का पीछा किया और उसे अपने कब्जे में लिया। वहीं जांच के लिए इस नाव के साथ इसके चालक दल को खुफिया एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। ऐसे समय में जब पाकिस्तान समंदर के रास्ते आतंकियों को लाने और ले जाने का काम कर रहा है, तब समंदर के रास्ते मुंबई जैसे हमले की आशंका भी बढ़ गई है। इस बीच महाराष्ट्र और यूपी एटीएस की टीम भी दिल्ली में पुलिस हिरासत में मौजूद 6 संदिग्धों से पूछताछ करेगी। इससे ये खुलासा हो सकेगा कि देश में किन किन जगहों पर इस मॉड्यूल ने आतंकी मनसूबों को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। चंडीगढ़ में मंजीत सहगल के साथ हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और इस समय ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, दिल्ली में उसामा और दुबई में उसामा का पिता उसैदुर रहमान और उसका चाचा प्रयागराज में, ये सारे तार पाकिस्तान की आईएसआई से किस तरह से जुड़ रहे हैं, क्या क्या विस्फोटक मिले हैं, विस्तार से बताइए। अब देखिए गौरव, आपको बहुत अच्छे से मालूम है और पूरी दुनिया को मालूम है कि किस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान अपने घर में जो आतंकी है उनको न सिर्फ पनाह देता है, पालता पोसता, बल्कि ट्रेनिंग कैंप चलाता है। लगातार पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि वो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे और इसके लिए बाकायदा प्लानिंग बनाया गया। हालांकि पहले की जितनी भी प्लानिंग थी उसको भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बेनकाब किया, लेकिन इस बार एक नया जो आईएसआई के कर्नल है
उसने एक नया प्लान बनाया जिसमें एक तरफ टेरर मॉड्यूल को खड़ा किया गया, दूसरी तरफ उस टेरर मॉड्यूल को सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम को चुना गया। और इस तरीके से एक आतंक का नया मॉड्यूल तैयार हुआ। ओसामा जी जो पाक ट्रेंड है जिसे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, उसने पूछताछ में खुलासा किया है और उसके मोबाइल डेटा से जो एविडेंस मिले उससे पता चलता है कि दुबई में जो बैठा हुआ उसैदुर रहमान है, दरअसल वो इस टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है, जबकि जो अंडरवर्ल्ड का जो मॉड्यूल है उसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम है। और ये साजिश बहुत बड़ी थी और दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम और आतंक के ये जो चेहरे हैं 1993 में भी इन्होंने इसी तरह हमारे देश को दहलाया था। जी हां, 12 मार्च 1993 को मुंबई बम धमाकों के लिए आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम का ही इस्तेमाल किया था। इसके बदले दाऊद इब्राहिम को कराची में पनाह दी गई थी। 28 साल बाद एक बार फिर आईएसआई ने नई आतंकी साजिश के लिए दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी दाऊद के गिरोह का एक बार फिर इस्तेमाल किया है। बरसों बाद दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की टेरर पार्टनरशिप हुई है। सूत्रों की माने तो 6 आतंकियों की टीम में अंडरवर्ल्ड के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया। आतंकियों को अपने ही मुल्क में पालने पोसने और आतंकियों को ट्रेनिंग देने के आरोप में पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है, इसलिए उसने एक नई चाल चली। भारत को दहलाने के लिए उसने एक नया मॉड्यूल तैयार किया जहां एक तरफ टेररिस्ट थे, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड। दोनों ही मॉड्यूल का अपना अलग अलग काम था। टेरर मॉड्यूल की जिम्मेदारी संभाल रहा था दुबई में बैठा ओसामा का पिता उसैदुर रहमान, जबकि अंडरवर्ल्ड की कमान संभाल रहा था दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम। जान मोहम्मद शेख मुंबई का रहने वाला है और ड्राइवर रह चुका है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से पहले जान मोहम्मद ने अपने मोबाइल फोन से पूरा डेटा डिलीट कर दिया था। इस पूरी साजिश का जब खुलासा हुआ तो महाराष्ट्र में भी हलचल तेज हो गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे देश के लिए खतरे की घंटी बताया। जिस प्रकार से देश के अंदर और विशेष रूप से मुंबई जैसी जगह आतंकवादियों का पकड़ा जाना एक खतरे की घंटी है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसे जो लोग घुसे हुए हैं, आतंकवादी बनकर कहीं कहीं बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते। सूत्रों के मुताबिक जान मोहम्मद सीधा दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से संपर्क में रहता था। इसके लिए वो व्हाट्सएप कॉलिंग किया करता था और अनीस के कहने पर वो बाकी के आतंकियों को आईडी और लॉजिस्टिक देने के लिए तैयार हो गया था। इसके फोन को साइबर सेल को भेजा जाएगा ताकि डिलीट डेटा को दोबारा हासिल किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है, उसमें से एक आदमी धारावी मुंबई का रहने वाला है, तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि इसका काफी पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। जान मोहम्मद को कोटा से गिरफ्तार किया गया था जब वो मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन के लिए ट्रेन में सफर कर रहा था। फिलहाल स्पेशल सेल ने जान मोहम्मद को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। साथ ही जान मोहम्मद के परिवार से भी एटीएस और क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। हम आपको बता दें कि मुंबई के धारावी में जान मोहम्मद की पत्नी और 2 बेटी रहती हैं, जिनसे धारावी पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है। जान मोहम्मद समेत बाकी 5 आतंकियों से पूछताछ में अभी और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है और पर्दाफाश कर दिया है उस साजिश का भी जो आईएसआई और डी कंपनी मिलकर देश के खिलाफ रच रहे थे। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो।